हरिश्चंदन ने उस जन्मभूमि को प्रणाम किया, विश्वामित्र से कह दिया ये शासन तुम्हारा है, तुम यहाँ के राजा बन गए हो। हरिश्चंद तारा रोहितास को लेकर के काशी नगरिया की सीध लगा लेते हैं। चलते चलते 3 रात और 3 दिन बीत गए, न पानी पिया है न कुछ खाया है, प्यास के कारण रोहितास बेहोश हो गया। और विश्वामित्र ने देखा, ए हरिश्चंद, देख नहीं रहे हो तुम्हारा लड़का बेहोश हो गया, अरे इस बच्चे को पानी पिला दो, तुम भी पानी पी लो, क्योंकि तुम 3 में से 1 भी मर गया तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा, नुकसान तो हमारा होगा। 60 बार सोना कौन देगा, काशी में चल करके तुम्हें बेच दे, उसके बाद तुरंत मर जाना, हमें कोई मतलब नहीं। भाग करके गए, पानी ले आए, हरिश्चंद ने मना कर दिया, मुझे नहीं पानी पीना। तारा से कहा तो तारा ने भी मना कर दिया, रोहितास से कहा है कि पानी पी लो, रोहितास ने एक ही बात कही, महात्मा जी रोए के रोहित ने जवाब दियो, ब्राह्मण जी आप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है, ऋणधारी है सुख शांत चैन, हम ऋण बिन लेख नहीं सकते, पानी पीना तो बड़ी बात, पानी हम देख नहीं सकते, पानी पिएंगे नहीं, पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तीनों प्राणी जिस समय चलते चलते काशी में पहुंच जाते हैं, काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आबाद लगाई। चले जिस समय काशी में पहुंच करके विश्वामित्र ने काशी की गलियों में पहुंच करके आबाद लगाई। सुनो काशी में रहने वाले भाइयों, 3 प्राणी बेचने आए हैं हम, उम्र में तो अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं। 1 को खरीदोगे 20 भार सोना, 2 को खरीदोगे 40 भार सोना। अरे खड़े खड़े सुनते ही रह गए, कुछ बोला ना, आवाज लगाई कि 3 प्राणी खड़े आज भी किते
विश्वामित्र ने काशी की गलियों में पहुंच के तीन प्राणी बेचने आए हैं हम, उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं। एक जात का मेहतर पहुंच गया, भैया इस आत्मा